अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिलंग डॉग। और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब अच्छी सेहत में होंगे और मज़े से हमारे व्लॉग्स को भी खूब इंजॉय करते होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें बहुत सारा प्यार देने का। अमेजिंग गाइस, वी आर लविंग द कमेंट्स। यस, आपके इतने प्यारी आपने कमेंट्स हमारे लिए रख रहे हैं, इतना प्यार हमें दे रहे हैं। वी आर रियली लविंग इट गाइस, यू आर गिविंग अस मच मोर मोटिवेशन। है ना सर? हाँ बिल्कुल। कभी कभी मैं तो बिलाल को कहती होती हूँ कि बिलाल जी क्या पढ़ा है इस यूट्यूब में, इस यूट्यूब को गोला मारे जो कि मेरी फेवरेट लाइन है। लेकिन आप लोगों के ये जो हमें कमेंट्स मिलते हैं और प्यार इतना प्यार दे रहे हैं हमें, उससे फिर जो है ना हमारी बैटरियाँ फिर से चार्ज हो जाती हैं और हम कहते हैं कि चलें फिर से जो है ना अच्छे से मज़ेदार से ब्लॉग बनाएं। और सारे तो सना बताएं आज हम क्या बना रहे हैं। आज आपने देखा ही होगा कि बिलाल जो है ना वो मीट को सीजनिंग कर रहे थे, क्योंकि मेरी शागिर्दगी में रह के ना बिलाल को खूब अंदाज़ा हो गया कि कौन सा मसाला कहाँ फिट होता है। तो आज जो है ना वो बनने जा रही हैं, बल्कि बन रही हैं हमारी स्टिकी रिब्स। और उसकी जो है ना लास्ट
जो फाइनल टचेस वो मैं अपने हाथों से दूंगी, और उसके लिए मैं एक मज़ेदार सी सॉस आपके सामने तैयार करूंगी जो स्टिकी रिब्स के लिए है लास्ट इन दी एंड। और उससे पहले आपको पता है कोई भी डिश जो है ना वो वेजिटेबल के बगैर इनकम्प्लीट है, तो मैंने सोचा कि इस वेरी वेरी नाइस के अगर हम थोड़े से वेजिटेबल स्कीवर बनाएं, तो लेस मिल के जो है ना मैं और बिलाल वेजिटेबल्स को काटते हैं और उनको मैरिनेट करते हैं। चले जी, बिलाल अगर आप मुझे ये कोर्जेट काट दें और मैं पेपर्स काटती हूँ, ठीक है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, काट लो। यहाँ पे हम अपने टमाटर भी ऐड करेंगे और थोड़े से मशरूम भी। Let's marinate the vegetables. ये ओरिगैनो है मेरे पास, पहले थोड़ा सा सॉल्ट डाले, ब्लैक पेपर फ्रेशली ग्राउंड, यहाँ पे मेरे पास ऑयल है। अच्छे, हम आज पकाने निकले थे कि बारिश शुरू हो गई, और आपको पता ही है कि हमारा जो यूके का वेदर है उसका जो है ना कोई पता नहीं, कोई बात नहीं, सबको दिखाता थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो, बारिश में भी एंजॉय करना जो है ना वो भी बस इंजॉय करें, अल्लाह पाक के हर मौसम को एंजॉय करें, जैसा कि मैं कहती हूं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बारिश भी एक नेमत है, माशाल्लाह शुरू हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने सीजनिंग लगा दी हुई है ना, तो इसको हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ओरिगैनो, सॉल्ट, पेपर और ऑयल लगाया था, कभी इसको स्क्रीबर्स पे लगाते हैं और हमारी मजे से तैयार हो जाएंगी। दैट्स इट, चलिए फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा स्क्रीबर्स बनाता है, मैं या बिलाल। वैसे बिलाल आप तो बाजी ले गए हैं, वैसे मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि आप ऐसे अच्छे 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 खाने बना रहे हैं, और क्या मतलब माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे व्यूअर्स, हमारे प्यारे व्यूअर्स जो मुझे मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, आई एम लविंग द कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, आप इतना हमें प्यार दे रहे हैं, तो अच्छे अच्छे खाने, अच्छी अच्छी वीडियोज क्यों ना हम बनाए आपके लिए, यस वी लव यू गाइस। क्योंकि ये होता है ना कि इनके साथ, आप सब देखने वाले के साथ हमारा एक बड़ा प्यारा सा कनेक्शन बन गया है, Amazing. और लगता है कि like जैसे फैमिली है आप, yeah. हमारे जो है ना फैमिली है, yes. फैमिली का एक हिस्सा है, तो फिर दिल करता है कि आपके साथ हर खाने में, हर शाम में जो हमारे खास दिन होते हैं उनके साथ, आपके साथ वो क्यों ना आप शेयर करें। साथ लग रही है और आप माशाल्लाह लगाते हैं, ये तो वेजिटेबल को तो आपको पता ही है कि इतना टाइम नहीं लगता, इट गेट्स रेडी वेरी क्विक, और वेजिटेबल्स को वैसे भी जो है ना ओवर कुक करके खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी सारी जो गजाइयत है ना वो ज़ाया हो जाती है।
चले जी फिर मिलके बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी बारबेक्यू जो रिब्स के लिए हम अपनी मज़ेदार सी बीबीक्यू सॉस बनाते हैं, बारबेक्यू सॉस स्वीट एंड सावर। यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ही जो है ना, उसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना जिंजर गार्लिक पेस्ट को, तो साथ ही ब्लैक पेपर फ्रेशली ग्राउंड, उसका एक अपना ही मज़ा होता है। और साथ ही जो है ना वो हम तकरीबन अपने अपने हद से ज़रूर हम उसमें जो है ना स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितने पका पका के इसका अंदाज़ा हो गया कि मुझे जितनी कितनी सॉस के लिए कितनी वो चाहिए। और सबसे आखिर में मेरे पास यहाँ पे जो है ना शक्कर है, शक्कर ये डालेंगे जल्दी से सारी शक्कर, क्योंकि स्टिकी रिब्स है। और साथ ही इसको अच्छा से जल्दी से स्टर करके, और आप इंशाल्लाह आपने मुझे ज़रूर बताना है कि हाउ हैव यू फाउंड दिस रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और इसमें लेमन लेमन भी इसको डालेंगे, और साथ ही हम अपने वेरी सिंपल जो हमारे इन्ग्रीडियंट है केचप एंड कोई भी आप ले लें बारबेक्यू सॉस को ऐड करें हस्बे ज़रूर। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने केचप लिया और 2 टेबल स्पून जो है ना वो बारबेक्यू सॉस ले लेंगे। तो ये मज़ेदार सी यम्मी सी लशियस सी जो है ना हमारी, ये जो हमारी बन गई है हमारी सॉस स्टिकी रिब्स के लिए, इसको जल्दी से अपनी रिब्स पे अप्लाई करते हैं। अभी लगाने का मकसद इसलिए है कि जो है ना थोड़ा सा उसको दोबारा से सॉस लगा के दोबारा से तंदूर में रखेंगे ताकि थोड़ा सा और उसका मज़ेदार सा क्रिस्प आ जाएगा सॉस के साथ। तो चले फिर जल्दी से सॉस लगाते हैं। सना एक दिन आपने देसी खाना भी बना के देना है इसी तरह बाहर आग के साथ। आई लव दिस आइडिया, इट्स अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है गाइस। जरूर, और बड़ी अच्छी हीट है और जल्दी से खाना भी तैयार। अच्छा चेक करें स्टिकी रिब्स। बिस्मिल्लाह। वाओ गाइस लुक एट दैट, अमेजिंग। वाह देखिए जी कितना मजे का कुक हुआ है ये। वाह इट्स ब्यूटीफुल सना, यू कैन सी दैट पानी जो है इसके अंदर से ड्रॉप हो रहा है और वेरी जूसी है हमारी जो है ना सना। लगाएं जी मसाला आप इसके ऊपर, तो फिर इसको और 2-3 मिनट डालते हैं तंदूर में एंड देन इट्स रेडी टू बी सर्वड गाइस। सना क्या ये मजे का लग रहा है, looking so amazing this meat, बहुत मजा आ रहा है। मैं कहती हूँ इसकी जो खुशबू है और ये लग ही रहा है ना कि ये बहुत ही जूसी तैयार हुई है। हाँ। तंदूर में जब वो पकती है उसकी एक जो लकड़ की खुशबू है, हाँ। एक तो उसका भी बहुत ही ज्यादा फ्लेवर आता है और जो अच्छे से बनता है मीट। वाओ गाइस, आपने देखा ही होगा, वी डिड नॉट पुट एनी मीट टेंडराइजर, नथिंग, हल्की आँच पे ये अंदर पका है और मैं कहती हूँ मजा आ गया। बस इसको दोबारा डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आखिर में थोड़ा सा फिर अप्लाई कर देंगे लास्ट। ठीक है, इसको दोबारा हम ओवन में डालेंगे, इसको तंदूर ओवन में डालेंगे। गाइस लेट्स सर्व द फूड। ब्यूटीफुल गाइस, Lisa Mira, food's ready, come on. Yay! Aajo, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Chale ji. I would like to pour the sauce on it. Yeah, pour the sauce, dal de ji. Beautiful. Let's see. Wow. Right, Lisa Mira, grab your plates. Okay. Yeah, le ji, madam. लीजा मीरा ये ले जी, ले अपना पीस। लीजा यू ट्राई योर्स, ये गाओ सना आप ही लें और हम सबको बताएं कि ये कैसा बना। राइट गाइस एंड दिस इज माय पीस, बिस्मिल्लाह की या बिस्मिल्लाह मारे। गाइस
That scrumptious is amazing. बहुत juicy, बहुत ही well cooked है और हर चीज बहुत ही मुझे लगता है मुनासिब है मसाले की. मज़ा मिला, मज़ा आ रहा, या? तो guys आपने ज़रूर हमें बताना है कि आपको ये रेसिपी जो है ना वो हमारी कैसी लगी है. और इसी के साथ आप सब से इजाज़त लेंगे, दिल तो नहीं करता आप सब से इजाज़त लेने का, लेकिन वी हैव टू गो. और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल. अल्लाह हाफिज़. ओह माय गॉड लीज़ा मीरा, ये क्या हो रहा है? लुक हाउ यू आर ईटिंग दीस रिब्स, इतने मज़े किए हैं. हैं, इज इट अमेजिंग गाइस? मीरा यू आर नॉट स्पीकिंग, बहुत मज़ा आ रहा है. चलो सबको अल्लाह हाफिज़ कर दो. बच्चे लॉस्ट हैं, इसका मतलब आपको उनकी खामोशी बता रही होगी कि कितने मजेदार कितने लजीज बने हैं रिब्स. अल्लाह हाफिज कर दो. अल्लाह हाफिज. माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त से बने. वाओ, लुक एट दैट गाइस. गाइस इट्स कमिंग ऑफ द बोन्स. ये देखें, straight off the bone. MashaAllah, it's exactly jo hai na bahut hi tender aur bahut hi zabardast tarike se meat is very well cooked and it's coming off the bone.